नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। इन दिनों बिहार की सियासत में बहुत उबाल है। एक तरफ जहाँ लोजपा में दो फाड़ के बाद सियासत तेज है, वहीं दूसरी ओर बात अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की करें तो उनसे भी मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। और ये लोग जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रभुनाथ सिंह से मुलाकात की, फिर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात, उसके बाद आज उनसे मुलाकात करने बाहुबली नेता ददन पहलवान पहुंचे हैं। आपको पता होगा कि ददन पहलवान पहले बिहार में विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ मंत्री भी रह चुके हैं। मुलाकात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसामा साहब से मुलाकात करने के लिए ददन पहलवान खुद पहुंचे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, वो आप सुनिए। उसामा जी से पहले भी हमारा इच्छा था मिलने के लिए, इसलिए कि इनका पिताजी जब हम बिहार में मंत्री थे, विधायक थे, उस समय ही सांसद के रूप में थे। अब पूरे भारत में इनका एक पहचान था। लॉकडाउन के चलते हम लोग को आने में विलंब हुआ। उसामा जी के सहानुभूति में हम लोग आए हैं। हम लोग अपना जो हमारे दोस्त मित्र साथ आए हैं, हम लोग का यही आशीर्वाद, यही हम लोग का दुआ है कि अपना पिताजी से बढ़ के ही समाज सेवा करें, यही हम लोग का शुभकामना देने के लिए इनको आए। क्या कुछ होने जा रहा है सर, बिहार की राजनीति में आने वाले समय? देखिए, बिहार के राजनीति में तो स्थिति बिहार की खराब है, इसलिए कि बिहार में लोकतंत्र है ही नहीं। जो सांसद विधायक का समान इज्जत पहले होता था, अधिकारी लोग विधायक सांसद के बात को सुनते थे, आज विधायक हो या MP हो, सारे लोग अपमान सह रहे हैं। कोई विधायक की बात नहीं सुनता है, कोई MP का बात बिहार के अधिकारी नहीं सुनता है, इसलिए बिहार के जनता का सेवा और जनता का काम MPA MLA करते हैं, मगर वहाँ के थानादार, ब्लॉक, अनुमंडल के अधिकारी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए विधायक अपमानित हो रहा है। इसलिए हम तो समझिए कि अब एक सोच ले लिए हैं कि अब इससे अधिकारी जो मनमानी करता है, इसको सुधार करने के लिए एक उत्तम व्यवस्था होना चाहिए जो विधायक का समान हो। अब विधायक के क्षेत्र में जो काम है, थाना में, ब्लॉक में जाते लोग इनकी बात सुनकर काम करे, इसलिए हम लोग तो अब इस पर लगेंगे। अलग के सारा बिहार के जो अभी आज स्थिति है उसको सुधारने के लिए हम, ऐसे तो यहाँ राजनीतिक बात करने के लिए हम नहीं आए, न राजनीतिक यहाँ पर बात हुआ, मगर इनके पिताजी के साथ बिहार में जितना गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल है, जो जिस पर पार्टी, सभी पार्टी के लोग टिकट भी देता है, जिस पर 10-10 मर्डर केस है उसको नहीं दिया तो उसके पत्नी को टिकट देने का लोग काम किए हैं, तो यह सारी समस्या देखकर यह हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिहार में अपना पॉलिटिकल, अपना हम बात कर रहे हैं उस कि एक अच्छा बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। अब बिहार के राजनीति एक अलग हो जिससे सांसद आय और विधायक का समान हर कार्यालय में होना चाहिए। देखिए, मंत्री भी रहे और जदयू से आपकी टिकट काट दी गई, ये माना जाए कि आप अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं नहीं, यार देखिए, एगो पार्टी, हम कभी पार्टी में नहीं थे। पहला बार हम नीतीश कुमार जी के पार्टी में गए थे, वह बुलाने पर। हम तो शाम की राजनीति करते हैं, हम किसी के पास झुक कर हम कभी रहे हैं और न कभी हम रहेंगे, इसलिए वो टिकट की बात नहीं, विधायक की बात नहीं, कटने की भी बात नहीं है, मगर विधायक और MP MLA का सम्मान दिलाना हमारा धर्म है। जिस तरीके से सर उथल पुथल मची हुई है सरकार को लेकर, क्या लग रहा है, क्या सरकार गिर जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी नीतीश कुमार असहाय हो गए हैं। नीतीश कुमार की छवि जो पहले था वह अब छवि रह नहीं गया है,
इसलिए कि आप जान ही रहे हैं कि संख्या में बीजेपी के लोग आगे हैं। हम तो बिहार की स्थिति खींच खांच के चल रही है, कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि 22 के करीब करीब चुनाव भी हो जाए। नहीं नहीं, ये वो देख लीजिए, ओसामा साहब के बारे में पूरे बिहार के हम पूरे पूर्वांचल के बारे में हमको जानकारी है। पिताजी के सहानुभूति के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान ओसामा जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार। सर, तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरफ आपका इशारा है, क्या कुछ नया रणनीति बनेगा, बनना चाहिए? देखिए, हम तो कोई पार्टी दल है नहीं, जो सर आज आपसे बातें हुई। नहीं, बात वही शाहबुद्दीन ने परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया था, अभी बीजेपी। अच्छा, महागठबंधन लालू जी के और नीतीश कुमार के गठबंधन में ही बिहार के सारा गुंडा बदमाश बिहार के जेल में रहता है, शहाबुद्दीन तिहाड़ के जेल में रहते हैं, महागठबंधन में, तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो आपने ददन पहलवान की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे अरसे से उनका मन था ओसामा साहब से मुलाकात करने का, लेकिन लॉकडाउन के नियमों की वजह से वो बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी छूट मिली है तो वो उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं। और ये एक औपचारिक मुलाकात जाए लाइव सीरीज़ के साथ। आप बने रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो सकते हैं। धन्यवाद।